राम राम सभी को। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है इंडियन आर्मी मेडिकल के बारे में, ठीक है। और ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपकी गलती, ठीक है, आप ये गलती कर देते हो तो आपको MH मिल जाता है। तो वो गलती नहीं करना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये आपकी खुद की गलती के हिसाब से आपको MH मिलता है, क्योंकि अभी जितने मेरे वहाँ के बंदे पास हुए ना, मुश्किल से बहुत सारे लोग को MH मिला है। MH मिला है, मैंने उन लोग से पूछा तो भाई बताया मेरे को इसमें MH है, उसमें MH है। मैं आपको पूरा डिटेल बताना है, वीडियो पे बने रहना, ठीक है, स्किप करके मत देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। फर्स्ट नंबर पे बात करूंगा आँख का पॉइंट का, ठीक है। तो रुको मैं बताता हूँ पूरा डिटेल, भाई इधर आओ, मैं आप पूरा वीडियो पे बने रहना, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। भाई थोड़ा यहाँ पे खड़े रहो दूर। ये नोक नहीं दिख रहा, इसका नोक, ठीक है, उसको आपको देखना है, ठीक है। मुंडी नहीं हिलाना है, है ना, ये बस हिलाऊंगा जहाँ जहाँ, मुंडी नहीं लाना है, सिर्फ आँख का जो अपना पुतली है ना, आँख का वाक का ब्लैक कलर, उसको आपको घुमाना है, ठीक है। ओके, चलो मुंडी हिलाओ मत। देखो गाइस, भाई मुंडी हिला रहे तो आपको इसमें MH मिल सकता है, रुके रहना 2 मिनट, आपको MH मिल सकता है, क्योंकि आप बार 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 ऐसे करोगे तो तुमको MH मिल सकता है, ठीक है। इसको देखो, अणी को आंख माँ किधर में, इसको देखो, इसको जहां घूमेगा वहीं पे घुमाना तुमको। आपको ऐसे करना भाई जैसे कर रहे हैं, ठीक है भाई, जैसे किए ना उसे आपको करना है। मुश्किल है, मुश्किल है भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुंडी नहीं हिलाना, अगर आप मुंडी प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत मुश्किल है। आप अगर मुंडी हिलाना तो इसको देख के, कितने बंदे ऐसे करते हैं, ठीक है। तुम अगर थोड़ा भी अगर इस तरह उस तरह करोगे तो आपको MH मिल जाएगा, आपकी पहली गलती ये। बात करूंगा सेकंड नंबर की, ठीक है भाई लोग। तो सेकंड नंबर में आपका आएगा कलर विजन, ठीक है। कलर विजन में क्या होता है, मैं आपको बैकग्राउंड में बाजू में लगा देता हूँ, कलर विजन लगा देता, आप देख लेना। कलर विजन में ये होता है, बंदे का सब कुछ सही रहेगा, उसको कलर विजन भी नहीं रहेगा तो भी वो बंदा क्या डर के मारे, तो डर के मारे थोड़ा उल्टा सीधा बोलेगा, जा ए लिखा तो आप बी बोल देगा, सी बोल देगा। डरना नहीं है भाई, क्या यार फौजी साहब, तो यार कोई डरना वरना नहीं है, ठीक है। डरोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है, कायदे से मैं बोल रहा हूँ, डरना नहीं। वहाँ पर कायदे से थोड़ा लेट बोलो पर शांति से बोलो, ठीक है, लेट बोलो थोड़ा शांति से बोलो। फौजी सर दिखा रहे हैं वहाँ पर, तो आपको शांति से देखना है, ए बी सी डी 1 2 5 6 इस तरह करके लिखा रहेगा। कलर विजन का मैं लगा देता फोटो, इस तरह करना है, उसमें ज़्यादा डरना होना नहीं, शांति से बोलना और घबराने की उसमें बात ही नहीं आती यार। हाँ अगर नवा बंदा होगा तो थोड़ा बहुत डर के डरता ही होगा, ठीक है, पर डरना नहीं है, ठीक है, खास करके शांति से उसको पढ़ के ही बोलना है। और कलर विजन जिसको होगा तो पता चल जाएगा, उसको साफ नहीं दिखेगा, क्लियर ही नहीं दिखेगा, ठीक है भाई लोग। तो सेकंड नंबर ये बात करूँगा थर्ड नंबर की, ठीक है, तीसरे नंबर की बात करूँगा। तीसरे नंबर में आपको बताऊँगा जो कान है भाई, ठीक है। कान क्या करते हैं बंदे लोग, जब भर्ती पास हो जाते हैं इनका फिजिकल कैरियर होता है तो दूसरे दिन मेडिकल होता है, ठीक है, तो वो लोग फटाफट अपना कान फटाफट करके साफ कर देते हैं। भाई ऐसा भी नहीं करना, ठीक है, कोई अपने आसपास के दवा खाने में चले जाना है, शांति से साफ कर देंगे डॉक्टर साहब, ठीक है, शांति से साफ उफ कर देंगे आप। और आप ये गलती कर देते हो कि तेल डाल के सही से साफ होता नहीं, हल्का हल्का साफ करके चले जाते हो, आपको MH लेके आ जाते हो। तो गाइस ये भी नहीं करना आपको। तो भाई बोलो ना। तो भाई एक बंदा जो कि फेल हुआ है, मेरे छोटे से कान में तेल डाल गया था, यानी कि नॉर्मल जो कान में तेल डालते हैं रात को, उसके घर पे तेल वेल डाल दिया होगा उसको, मतलब उसको इग्नोर कर दिया, उसको लगा कि छोटे से क्या हो जाएगा, लेकिन आज का मशीन वगैरह चेक किया होगा तो वहाँ उसका फॉल्ट बता दिया, उसको घर भगा दिया, बोला अगले हफ्ते आना। सुनना गाइस अभी क्या बोल रहा है भाई, छोटी मोटी गलती को भाई इग्नोर मत करना, छोटी मोटी कैसे क्या फर्क पड़ेगा भाई, वहाँ पे मशीन वगैरह चेक हुआ उसी घर भगा देगा। बंदा आपके वहाँ का है, हमारे गार्डन का ही है भाई, अभी मिलेगा, अभी तो पता नहीं मिलेगा, लेकिन वो कल ही उसे मिला था, बोला कि वापस मेरे को बुलाया। तो भाई ऐसी गलती आप लोग मत करना, और एक्सीलेंट बंदा था उसके साथ ऐसा हुआ, ठीक है भाई। छोटी MH कितना मिला वो तो मुझे पता, नॉलेज नहीं उस बारे में, लेकिन उसको घर भगा दिया इतना पता है। तो भाई लोग मैं यही बोलूंगा भाई, अपने आसपास के दवा खाने में चले जाओ, अपने आसपास के दवा खाने में चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ, शांति से कान साफ करा दो, ठीक है। कोई कलाकारी मत कर ले लगना, तेल ओल डाल के फटाफट अनसन साफ उप करके मत चले जाना, तो MH लेके आ जाओगे, ठीक है, फालतू में। और हाँ, अपने आसपास दवा खाने में जाके शांति से साफ करवा लेना, कोई दिक्कत की बात करूँगा तो धड़कन का भाई लोग, ठीक है, धड़कन जो अपना धड़कन चेक होता है, तो आपको कैसे खड़ा रहना वहाँ पे, जैसे वहाँ पे आए डॉक्टर साहब आए अपने चेक करने के लिए, ठीक है, शांति से ऐसे खड़े रहना बिंदास, कुछ नहीं सोचना है, कहीं कुछ नहीं देखना है, ना कुछ सोचना है, डायरेक्ट सोचना है कि मैं अपने घर पे सोया हूँ,
ऐसे बिंदास घर का याद करते रहना, चाहे अपना ग्राउंड का सोचते रहना कि मैं इधर हूँ, कोई भी बाहर की चीज़ सोचना है, ऐसा नहीं सोचना कि मैं मेडिकल दे रहे खड़ा हूँ, ठीक है। धड़कन जब चेक होने आ रहे ना, डॉक्टर साहब अपना चेक करने आ रहे ना, तो अपने कुछ सोचना नहीं है, बिंदास खड़े रहना ऐसे हाथ करके, घर का सोचना है या ग्राउंड का सोचना है, चाहे बाहर का कोई भी चीज़ सोचना है, ऐसा आपको ध्यान में नहीं होना चाहिए कि मैं मेडिकल में खड़ा हूँ, मेडिकल देने खड़ा हूँ। तो अगर आप अगर ये सब सोचोगे तो आपको धड़कन तो बढ़ने ही वाला है कायदे से, मेरे को भी पता है। मैंने मेरा भी जब आया था ना चेक होने, तो मेरा भी चालू हो गया था भाई, ठीक है, तेज, पर मैंने भी बिंदास था, ठीक है, कि कोई चीज़ नहीं यार, वो भी तो यार फौजी से आवे, उसको कोई टेंशन नहीं, ठीक है, आराम से पास हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।